कोरोना संकट के बीच देश के लिए राहत की खबर आ रही है। दरअसल रूस से एक विमान स्पुतनिक वी टीके की पहली खेप लेकर हैदराबाद में लैंड कर चुका है। जानकारी के अनुसार पहली खेप में 1.5 से 2 लाख खुराक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। वहीं इसके बाद मध्य मई या माह के अंत तक 30 लाख खुराक और आएंगी। जून में 50 लाख खुराक और आएंगी। एक समाचार एजेंसी ने बताया कि भारत को 1 मई को रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी के पहले खेप मिल जाएगी। बता दें कि स्पुतनिक वी वैक्सीन को गमालिया नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। वैक्सीन के निर्माताओं ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि रूस की वैक्सीन से भारत को कोरोना महामारी की दूसरी लहर से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। भारत में इस वैक्सीन की निर्माता कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के सीईओ दीपक सप्रा ने एक इंटरव्यू में कहा कि सीमित मात्रा में स्पुतनिक वी की पहली खेप रूस से आयात की जाएगी। जैसे ही हम सीधे वैक्सीन की सप्लाई करने लगेंगे, रूस से आयात बंद कर दिया जाएगा। हमारी कंपनी ने भारत में स्पुतनिक वी वैक्सीन बनाने के लिए 6 उत्पादन इकाइयां चुनी हैं। इनमें से 2 इकाइयों में जून जुलाई से सप्लाई शुरू होने की उम्मीद है। अन्य 2 इकाइयां अगस्त और आखिरी 2 इकाइयां सितंबर अक्टूबर से सप्लाई शुरू कर सकती हैं। सप्रा ने आगे कहा कि रूस से आयात की जाने वाली वैक्सीन की पहली खेप सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार केंद्र, राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों को दी जाएगी। अभी इस वैक्सीन की कीमत निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है। आयात की गई वैक्सीन और देश में बनाई गई वैक्सीन की कीमतों में अंतर होगा। हालांकि अधिकारियों ने यह नहीं बताया कि कितनी वैक्सीन रूस से मंगाई जाएगी।